स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड वाला मैथ है उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, यानी कि आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से अगर तीन इक्वेशन आपको दे रखी हैं और उन तीनों इक्वेशंस को हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि अगर हमारे पास क्या देगा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई तीन इक्वेशन मिलेंगी, जैसे इस टाइप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, मान लीजिए इसको मैं वन 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 से डिनोट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन होगी आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड और इज इक्वल टू डी टू, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आपके पास। थर्ड इक्वेशन, आपके पास तीन इक्वेशन मिलेंगी और इन तीनों इक्वेशंस में से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। इसकी प्रोसेस होती है कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, जैसे आपने प्लस वन के अंदर, प्लस टू के अंदर या फिर बीएससी फर्स्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपने तीनों इक्वेशन सोल्व कर रखी हैं लेकिन अलग अलग मेथड से सोल्व कर रखी हैं। अगर एग्जाम के अंदर ये आ जाता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो तो फिर हमें वो मेथड जो है अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, आर वन की या आर टू की, आर थ्री की, जितनी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आर वन की वैल्यू, आर वन की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन, जैसे हम दो इक्वेशन लेके चलेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, और डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में से हम एक्स का कोफिशियंट ले लेंगे। तो यहाँ से हम जैसे इसके अंदर सोल्व करें तो सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, तो ए टू बाई ए वन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, आर वन की, ठीक है। इसी तरह फिर हमें जब आर वन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें करना क्या होता है कि जो आपके पास इक्वेशन सेकंड है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड और ये है, और माइनस यहाँ पर जो आर वन की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है, तो आर वन की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन के साथ कर देंगे, ठीक है। वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, डे टू माइनस का आर वन डी वन, ठीक है। और फिर इनको दोनों को, इसको R1 के अंदर मल्टीप्लाई करके R1 की वैल्यू पुट कर देंगे और R1 के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस थी फर्स्ट। सेकंड प्रोसेस क्या है आपके पास, यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो काम कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक्स का जो एक्स वाली टर्म है वो जो है एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर यही बताया है कि सबसे पहले तो R1 की वैल्यू निकालो। R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो R1 की वैल्यू निकालने के बाद वो R1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से X जो है वो कैंसिल हो जाएगा और Y या Z के अंदर आपकी इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है। फिर सेकेंड हम क्या करेंगे, अब की बार ये तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी, अब की बार फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे या फिर सेकंड और थर्ड, वो आपकी मर्जी है, कोई भी इक्वेशन लेके चल सकते हो, सेकंड या थर्ड भी लेके चल सकते हो, फर्स्ट या थर्ड भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व द इक्वेशन या फोर इक्वेशन लिख लीजिए, फोर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, आर टू की वैल्यू निकाल लेंगे। आर टू की वैल्यू कैसे निकालनी है, वही कोफिशेंट ऑफ, अब की बार क्या करेंगे, अब देखो एक्स हमने यहाँ से कैंसिल किया था, फर्स्ट और थर्ड में से भी एक्स को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड में से, ठीक है, और डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ
कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन जो हम लेके चले हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेके चले हैं तो फर्स्ट, सेकंड लेके चलेंगे तो सेकंड लिख देंगे, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में से जैसे आपके पास ये है कोफिशियंट एक्स का 3 डिवाइड बाई 1 में से है आपके पास a1, ठीक है, तो ये r2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको वैसे ही पुट कर देंगे जैसे थर्ड इक्वेशन आपके पास ये है, तो a3x प्लस b3y प्लस c3z और इस माइनस r2 की वैल्यू आपके पास आई है, अब की बार जो भी आई है तो r2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। और फर्स्ट इक्वेशन लेके चले हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1z और इज इक्वल टू, यहाँ भी हम d3 माइनस r2 d1। अब अगर r2 की वैल्यू पुट करके इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो y और z के अंदर तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी आपको, y और z के अंदर तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी और y और z के अंदर यहाँ से भी इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर y और z इनमें से एक वेरिएबल को हम कैंसिल करेंगे, तो एक वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए फिर हम थर्ड स्टेप के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से r3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब r3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब की बार क्या कैंसिल करना है, y कैंसिल करना है, तो y कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ y इन इक्वेशन, इसको मान लीजिए ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी, इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है, और डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ y इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ से जो y का कोफिशियंट होगा और यहाँ पर जो y का कोफिशियंट होगा उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है, तो ये r3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है, इक्वेशन फिफ्थ माइनस r3 और इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, इज इक्वल टू में भी आपके पास वही रहेगा जो इक्वल में आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, z की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, या तो फोर्थ इक्वेशन में या फिफ्थ इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू और x और y की वैल्यू आने के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से किसी के एक के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ये तो था मेथड। सबसे पहले क्या करना है, 3 इक्वेशन मिलेंगी, r1 की r2 की r3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करनी है, कोफिशियंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कोफिशियंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाएगी और इस आइडेंटिटी के अंदर या फिर ये बोल लीजिए कि सेकंड इक्वेशन में से r1 की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इक्वल टू में भी आपके पास यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, फिर ऐसे ही फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन ले लीजिए या सेकंड या थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, उसमें से भी हम x को कैंसिल कर देंगे, तो yz के अंदर यहाँ भी और yz के अंदर यहाँ भी इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसी मेथड से जैसे हमने यहाँ से कैंसिल किया है तो उसी तरह हम यहाँ से y को भी कैंसिल कर देंगे, और y को कैंसिल करने के बाद हमारे पास z के अंदर इक्वेशन रह जाएगी, और तो z की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और वो z की वैल्यू वापस इन दोनों में से किसी के एक के अंदर रख देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू आने के बाद इनमें से इनके अंदर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से इसका एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ और उस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कैसे सोल्व करना हमें, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है। तो ये ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन आपका, ये है कि 2x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 12, ठीक है, 4x प्लस 11y माइनस का z इज इक्वल टू 33 और 8x माइनस का 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 20, ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं भाई। अब यहाँ से इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि 3 इक्वेशन जब आपको दे देता है और उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। तो देखो यहाँ से मैं सबसे पहले r1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो r1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, कोफिशियंट ऑफ x इन
इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी लोगे आप, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पर लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से हम एक्स का कोफिशियंट ले लेंगे सेकंड इक्वेशन में से, और डिवाइड में भी हम क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड इक्वेशन में से एक्स का कोफिशियंट है 4 आपके पास, और फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स का कोफिशियंट है आपके पास 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि आर वन की वैल्यू तो आपके पास 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे कि इसमें से जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो 4x + 11y माइनस का जेड माइनस आर वन की वैल्यू आपके पास आई है 2, और 2x + y + 4z इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो 33 माइनस का R1 की वैल्यू आपके पास आई है 2 × 12, ठीक है। अब 4x तो आपके पास एज इज प्लस का 11y माइनस का z, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और माइनस का 8z हो जाएगा इज इक्वल टू 33 माइनस का ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब 4x से तो 4x कैंसिल हो जाएगा, 11y में से 2y को माइनस करेंगे तो 9y बच जाएगा, माइनस का जेड है और माइनस का 8z है तो माइनस का 9z आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो y माइनस का जेड इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब की बार फ्रॉम इक्वेशन या तो फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए या फिर सेकेंड और थर्ड, ये आपकी मर्जी है कि फर्स्ट और थर्ड लेंगे या फिर सेकेंड और थर्ड लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर से भी हम क्या करेंगे, एक्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आर टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके अंदर भी वही आइडेंटिटी, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, और डिवाइड में कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो थर्ड इक्वेशन में से कोफिशियंट हम निकालेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा डिवाइड बाई, फर्स्ट इक्वेशन में से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा, यानी कि R2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो R2 की वैल्यू है, अब क्या करेंगे, वापस हम पुट कर देंगे किसके अंदर, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन आपके पास आई है 8x माइनस का 3y प्लस का 2z और माइनस R2 की वैल्यू आपके पास है 4, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 2x + y + 4z इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये है 20 माइनस का R2 की वैल्यू है और ये आपके पास है 12। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8x माइनस का 3y प्लस का 2z माइनस का, अगर माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 16z हो जाएगा इज इक्वल टू 20 माइनस 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 8x से 8x कैंसिल, तो ये माइनस का 7y आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा आपके पास माइनस का 14z इज इक्वल टू, ये आपके पास बच जाएगा भाई कितना बच जाएगा 28, तो ये माइनस का 28, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2z आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो आपके पास फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को लेके चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, R3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो R3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेथड क्या है, वही अब की बार y को कैंसिल करेंगे तो हम y का कोफिशियंट लेके चलेंगे, कोफिशियंट ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी लेके चलेंगे, फिफ्थ, ठीक है, और डिवाइड में कोफिशियंट ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 इसका कोफिशियंट फिफ्थ इक्वेशन में से y का कोफिशियंट 1 है, डिवाइड बाई फोर्थ इक्वेशन में से भी y का कोफिशियंट आपके पास 1 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी,
वन आ जाएगी, आर थ्री की वैल्यू आपके पास वन आ गई। अब हमें क्या करना है, वही जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है इसमें से माइनस कर देंगे, आर थ्री की वैल्यू पुट करके आर थ्री की वैल्यू आपके पास वन आई है, और फोर्थ इक्वेशन है वाई माइनस का जेड इज इक्वल टू यहाँ पर फोर माइनस का वन इंटू वन आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन हम लेके चले हैं तो उसमें से हम सेकंड को सेकंड की आर के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो वाई प्लस का टू जेड और माइनस का वाई और प्लस का जेड हो जाएगा इज इक्वल टू फोर माइनस का वन आ जाएगा। वाई से वाई कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री जेड इज इक्वल टू थ्री, तो जेड की वैल्यू आपके पास वन आ जाएगी। अब जेड की वैल्यू आपके पास है वन, तो क्या करेंगे, या तो फोर्थ इक्वेशन के अंदर या फिर फिफ्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो वाई प्लस यहाँ पर वन पुट करेंगे तो ये टू बच जाएगा इज इक्वल टू फोर, तो वाई की वैल्यू आपके पास टू आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू भी है जेड की वैल्यू भी है, तो क्या करेंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इनमें से एक वैल्यू एक इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हम लेके चले हैं टू एक्स प्लस का वाई और प्लस फोर जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व, इसके अंदर पुट कर देंगे भाई। 2x तो आपके पास एज इट इज y की वैल्यू 2i है प्लस z की वैल्यू 1 है, तो 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, ये 6 हो जाएगा, 6 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 6 बच जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, तो x की भी वैल्यू आपके पास y की भी और z की भी। ठीक है, पता चल गया कैसे फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी तीन इक्वेशन आपके पास हैं और गॉस एलिमिनेशन मेथड से अगर उसको सोल्व करना है तो उसका मेथड क्या है, सबसे पहले हम तीनों इक्वेशंस में से कोई भी दो इक्वेशन को लेंगे और उन दोनों इक्वेशन में से x को कैंसिल करने के लिए हम r1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, r1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करना होता है, हमें जो x का कोफिशियंट है सेकंड इक्वेशन में से उसके डिवाइड में फर्स्ट इक्वेशन में से x का कोफिशियंट को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाएगी। अब r1 की वैल्यू आने के बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से माइनस कर देंगे, r1 की वैल्यू पुट कर देंगे और जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको माइनस कर देंगे, इक्वल में भी हमारे पास इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, वाई और जेड के अंदर इक्वेशन आ जाएगी, फिर ऐसे ही हम फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन लेंगे या सेकंड या थर्ड इक्वेशन लेंगे, उसमें से आर टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ भी हम एक्स को कैंसिल करेंगे तो वही कोफिशियंट ऑफ एक्स जिसको कैंसिल करना है उसका कोफिशियंट लेना है, और थर्ड इक्वेशन में से डिवाइड में फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स का कोफिशियंट लेंगे और आपके पास आर टू की वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड और वन फर्स्ट इक्वेशन लेके चले थे तो थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे जो आपने आर की वैल्यू निकाली है वो, और मल्टीप्लाई में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई और जेड के अंदर इक्वेशन आ जाएगी, वाई और जेड के अंदर इक्वेशन एक यहाँ से आ गई हमारे पास एक यहाँ से, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अब की बार वाई को कैंसिल कर देंगे, तो वाई को कैंसिल करने के लिए फिर से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू हम फिर फाइंड करेंगे, तो आपके पास वाई का कोफिशियंट हम ऐसे लेके चलेंगे, इसी प्रोसेस से हम वाई को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू वापस इनके अंदर पुट कर देंगे तो वाई की आ जाएगी, वाई और जेड की वैल्यू आने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स की भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका, अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो और गॉस एलिमिनेशन मेथड से उसको सोल्व करना हो तो हम इस मेथड का यूज करके जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।